पानी पी लो। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता अमला, क्या करूं, कैसे तुम्हें हिम्मत दूं? साथ बांट भी नहीं सकता और तुम्हें ऐसे देख भी नहीं सकता। क्या कहूं, तुमसे क्या बोलूं जो तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो सके। शायद मैं यहां हार गया। ना ही तुम्हें हारने दूंगा। अब हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं मैं। मैं गलत था, मैंने अपने डर को तुम्हारा डर बना लिया था। अरे तुम तो हिम्मत करके उनसे लड़ने जा रही थी। हिम्मत तो मैं हार गया था, लेकिन अब तुम लड़ोगी और मैं तुम्हारे साथ। मैं वो अमला नहीं। गलत हो तुम। तुम हमेशा से वही अमला। आज कुछ समय के लिए खो गई थी तुम। अमला तुम उन दरिंदों की वजह से अपने वजूद को कैसे मिटने दे सकती हो? हाँ, तुम हमेशा से वही अमला थी और तुम बन सकती हो। देखो अमला, तुम्हें लड़ना होगा। तुम एक हादसे की वजह से ना अपने आप को टूटने नहीं दे सकते। अमला तुम्हें लड़ना होगा।
सुना तुमने? सब सुना मैंने, पर तुमने नहीं देखा क्या जब वो आदमी मेरे सामने आया मैं बिल्कुल भी खड़े। लेकिन अब नहीं बिखरोगी। तुमने ही कहा था ना कि तुम माही की शादी सुवीर के साथ नहीं होने देना चाहती। तुम चाहती हो क्या कि एक और जिंदगी बर्बाद हो जाए? और ये सिर्फ माही के बारे में नहीं, ये तुम्हारे बारे में भी है, ये तुम्हारी लड़ाई के बारे में भी है, तुम्हारे डर के बारे में भी। तुम्हें मैंने रोका था ना, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी अमला, अपने लिए और उस पुरानी अमला को वापस लाने के लिए। मैंने कोशिश की थी पर मेरे डर ने मेरे को रोक लिया। तुम्हारे डर ने नहीं, मेरे डर ने। मैं खुद से डर गया था और उन मलिक के गुंडों से भी, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अमला तुम्हें लड़ाई लड़ोगी अपने लिए और माही को सुवीर से बचाने के लिए और इंसाफ के लिए भी। पर कैसे? माही से बात करेंगे ना? माही से? और उसका नंबर? मैं कुछ करता हूं। मुझे माही से बात करनी थी जी। वो लोग तो यहाँ नहीं है, आप मैसेज दे दीजिए, मैं दे दूंगा। मैं रिपोर्टर बोल रही हूँ, वो मुझे उनकी शादी के बारे में बात करनी थी। रिपोर्टर? ठीक है, आप मैसेज दे दीजिए, मैं दे दूंगा उनको। एक मिनट, मुझे फोन। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मुझे ना माही जी से बात करनी थी। मैं डेली बज वो जो अखबार आता है ना उससे बात कर रही हूँ, उनकी शादी कवर करनी है हमें, तो इसलिए उनका नंबर चाहिए था। उनका पर्सनल नंबर तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आपका पर्सनल नंबर जी? जस्ट किडिंग, टेक डाउन द नंबर 941-502-941-50। थैंक यू। आपने अपना नाम नहीं बताया। इतनी सुंदर आवाज के पीछे चेहरा उतना ही खूबसूरत होगा। मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे आप? मैं दूल्हे का भाई हूँ। मलिक इंडस्ट्रीज में इक्वल पार्टनर। I guess now you know who I am. Ivan Malik. Whatever. तो क्या हो? तुम डरो मत, तुम आई से बात करो। हमला तुम जानती हो ना, तुम्हें लड़ाई लड़ना है। तुम डरो मत, मैं नंबर मिलाता हूँ, रुको। Oh my God, this is lovely. बेटा तुम ये हार पहनोगी तो it'll get more gorgeous. नहीं सच में बहुत सुंदर है। काफी जेनरेशन से है ना आपके फैमिली में? That's true. It's beautiful.
आप लोग का प्यार देखकर ऐसा लग रहा है कि हम नहीं आप लड़की वाले हैं। माही तो हमारी है and I'm glad you like it. थोड़ी देर में फोन करता हूँ, बहू को शगुन देने आया हूँ। माही बेटा तुम्हारा फोन बज रहा है। रहने दीजिए वीरेन जी, सुबह से इन रिपोर्टर्स ने परेशान करके रखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं इन्हें इनकरेज करने की। और माही आज से लेकर शादी तक किसी से भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। एंड दो सेल्फीज प्लीज बेटा, नो सेल्फी। दैट्स ट्रू बेटा, कहते हैं इससे नजर लग जाती है। जी थैंक यू। अरे कितनी बार फोन करेंगे, ये ऐसा भी क्या है जो पीछे पड़ गए। माही मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है सुमीर के बारे में। क्या अभी माही को फोन करने की हिम्मत कर रहा है या फिर हमला? हाँ बोलो हमला, क्या बोलना है? हेलो। हाँ कैसे हो बेटा? अबीर बेटा तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है, तुम उससे मिलने नहीं आओगे? घर पे बैठे बैठे माही को फोन घुमा रहे हो। गलत बात है बेटा, गलत बात है। बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तेरी और तेरी वाइफ की। समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ भूल गया कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं? सब याद है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों से नामला डरती है ना मैं डरता हूं। अब हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। बहुत दिन तक तुम लोगों ने अमला से इंसाफ छीन के रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा हेलो, हेलो फोन। हाँ वो फोन बज रहा था। अरे फोन इग्नोर करो वरना ये लोग परेशान करते रहेंगे। आपने बात करी उनसे? वो मार्केटिंग का था, मैंने अच्छी क्लास ले ली। शादी के दिन दुल्हन को और कोई काम नहीं है क्या? कोई बात नहीं मामा जी, अच्छा चलिए फोन तो दीजिए। हाँ लो ना बेटा। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। अरे आई एम सो सॉरी बेटा, ये तो पूरा टूट ही गया। वेरी सॉरी बेटा, पता नहीं मेरे हाथ से कैसे फिसल गया एकदम से। कोई बात नहीं मामा जी। इट्स ओके मामा जी, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। अरे बेटा ऐसे कैसे कोई बात नहीं, लाओ मुझे दे दो ये, मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले आता हूँ। इट्स ऑलराइट, मैं इसी का सिम कार्ड निकाल के मामा के स्पेयर फोन में लगा दूंगी, बाद में ले लेंगे नया फोन। नहीं नहीं बेटा, मामा को ऐसे ना नहीं कहते। मैं दूसरा फोन ले आता हूँ तुम्हारी, इसका सारा डेटा उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। It's all right, मामा जी, मैं सिम कार्ड निकाल। अरे मैंने कह दिया ना, बस अब फाइनल हो गई ये बात, बस। ओके मामा जी, जैसा आप कहें। माही, आए मामा। मामा जी, I'll just come one second। तुम लोगों से ना अमला डरती है ना मैं डरता हूँ। अब हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। बहुत दिन तक तुम लोगों ने अमला से इंसाफ छीन के रखा, लेकिन अब और नहीं। ये शादी हर हाल में होनी चाहिए, हर हाल में।
ये बात तुम समझते हो ना मेरे? समझता हूँ मैं, मैंने मैटर संभाल लिया है, पर अगर ना संभाल पाते तो? उधर ईवान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा और इधर ये लड़की माही को फोन कर रही है। Enough is enough. मैं ऐसे बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा कि कोई आए और मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला जाए। बाबू सिंह मालो उस लड़की को और उसके उस आशिक को। मेरे सुवीर को किसी हालत में भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि शादी के वक्त उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी रहे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इस लड़के को बहुत ढील दे दी हमने, अब मिलवाता हूँ इसे असली बबलू सिंह से। जीजू आप सिर्फ शादी पर फोकस कीजिए, आई विल हैंडल अबीर, मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर विरेन, किसी किस्म की कोई भी गलती का स्कोप है नहीं। मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। वकील साहब बहुत चंट है, उन्हें भनक लग गई है, वो माही के आसपास भी नहीं जाने देंगे। शादी के बाद अगर माही को सुवीर की असलियत पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, मैं फिर से फेल हो गई। किसने कहा? वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो रोकने दो, हम थोड़ी पीछे हटेंगे। माही फोन नहीं उठाएगी तो क्या हुआ, हम शादी में जाएंगे ना, उसको सब बताएंगे शादी में जाके। शादी में जाएंगे? हम शादी में कैसे जा सकते हैं, कौन जाने देगा हमें? अपने भाई की शादी में तुझे इनवाइट करना है, तुझे और तेरी मिसेस को दोस्ती की खातिर तो आना ही पड़ेगा। दूल्हे का भाई न्योता देके गया है हमें, इनविटेशन कार्ड है हमारे पास, हम मेहमान बन के जाएंगे। पर हम जा कैसे सकते हैं, वहां तो उनके बंदे खड़े होंगे। वो तो मुझ पे छोड़ो, हम बारातियों के साथ बाराती बन के जाएंगे, तुम बस साथ। हमला तुम्हें भरोसा है मुझ पे? हमला कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, तुम्हें भरोसा है या नहीं? भरोसा है। अबीर, तेरे लिए शादी की मिठाई लाए। दरवाजा खोल हीरो, दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ हीरो, अरे डर गया क्या? तू तो बड़ा छाती चौड़ा करके घूमता फिरता है आजकल ना, अब क्या हुआ, छुप गया? ए कबीर, तू यार है मलिक साहब के लड़कों का, तुझसे कोई पंगा नहीं है, पंगा उस लड़की से है।
उसे हमारे हवाले कर दे, फिर तू भी फ्री, हम भी फ्री, नहीं तो खून बहेगा। आ रहा हूं मैं। आ रहा है। आ रहा है। ए जल्दी आ, टाइम नहीं है इतना। हवा निकल गई हीरो की। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।